दिल्ली में 10 अप्रैल को चुनाव है और दिल्ली चुनाव आयोग ने कपिल को चुना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वोट तक वोट डालने के लिए खेच सके। बात करते हैं खुद कपिल से। कपिल, चुनाव आयोग ने आपको चुना है, दिल्ली वालों से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? दिल्ली से हमेशा ही उम्मीद अच्छी रही है, बिकॉज दिल्ली के जितने भी लोग हैं, अब मैं दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है इस चीज़ को लेकर। लोग अब वोटिंग को जो है वो पहले से ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं, और पिछले आंकड़े बताते हैं कि मतलब कंपैरेटिवली पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पिछले में अगर आप रेशो निकाली जाए तो इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, और उम्मीद है कि इस बार भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लोग चुनाव वाले दिन जो है छुट्टी मनाते हैं और बाहर घूमने चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सो मैं यही कहूंगा कि एक अगर गवर्नमेंट आपको छुट्टी देती है इसी चीज़ के लिए कि आप उसको यूटिलाइज करें, उसके लिए वोट करने जाएं, और वोट करने में टाइम कितना लगता है, और बड़ी बात है कि वो एक एक आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस देश के नागरिक हैं, और अगर आप वोट नहीं करते हैं तो एक दिन इंजॉय करते हैं ठीक है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कोई, अब शायद मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले में, लोग अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं कि लोग पप्पू ना बने। ये बिल्कुल, मैं यही अपील करूंगा कि वो वोट ज़रूर करें, और कई बार कोई होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है या कोई नहीं जा सकता है, तो उसको एक एक उसको माफ़ी है कि चलो भाई अगर फिजिकली वेल नहीं है या कुछ है। लेकिन जो आदमी तंदुरुस्त है, अच्छा वाला नौकरी बजा रहा है और उसको उसी चीज़ के लिए छुट्टी मिली है कि इलेक्शन है, फिर भी नहीं जाते, तो मुझे लगता है वो बहुत ही बुरी बात है और शर्मनाक बात है। ये थे कपिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है जाकर वोट डालें ताकि देश को एक अच्छी सरकार और एक अच्छा नेतृत्व मिल सके। कैमरामैन विनय के साथ तरुण शर्मा, DD News, दिल्ली।